खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष जीएनपुर हरिशंकर यादव को जिताने के लिए छोटे भाई समाजसेवी विजय शंकर यादव भूवर ने अपील की। यूपी में चल रहे निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों सहित जनता ने भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के दूसरे दिन नगर के हरिशंकर यादव के छोटे भाई समाजसेवी विजय शंकर यादव उर्फ भूवर ने नगर पंचायत वासियों से अपील किया कि निवर्तमान अध्यक्ष हरिशंकर यादव के कार्यों को देखते हुए उनके विकास के मानकों को देखकर दोबारा पानी का बोतल चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से जिताकर जीएनपुर नगर पंचायत के विकास के आयाम को और आगे बढ़ाएं, और कहा कि जिस तरह से जीएनपुर नगर का विकास 5 साल में किया गया है, जहां नाली, शौचालय, सड़क, रामलीला मैदान, कोरिया, पोखरा, शौचालय, नगरों में सोलर लाइट आदि की कार्य का जीएनपुर नगर को चमकाने का कार्य किया गया है, आगे भी नगर की जनता को विकास दिखाई देगा। हरिशंकर यादव कार्यकाल के पूर्व नगर में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, पर हरिशंकर यादव ने जनता को विकास दिया जो शेष बचा हुआ है, और आगे भी तेजी से विकास किया जाएगा। जनपद में एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में जनता का जीएनपुर बनाकर दिया जाएगा। तो, मैं हरिशंकर यादव वर्तमान चेयरमैन का छोटा भाई हूँ। 5 साल से लगातार नाराजगी सामने आ रही थी, फिर लगातार एकाएक प्रचार करने जा रहे हैं, किस बात की नाराजगी? मतलब की यह सब मतलब अफवाह था, लोग आपस में मतलब एक अफवाह मतलब फैलाए थे, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग सिर्फ अब विकास के मुद्दे पर बात करेंगे और विकास के लिए जो है काम करेंगे। लगातार 5 साल लोग बताते गए जो अपने आप से कि लगातार आपने कभी उस पर चर्चा नहीं की, ना उनकी बातों को पहुंचाया, तो जनता को तो यही लगा कि 5 साल आप नाराज थे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ मतलब कि विकास काम की कुछ बात हुआ उनसे, फिर काम जो है मतलब कि जारी हो गया, और हमने पूरे नगर पंचायत में शौचालय, मूत्रालय, प्याऊं, और आज भी हमारा जो निशान है जो पानी का बोतल मिल गया, वो ईश्वर का मतलब कि दिया हुआ आशीर्वाद है कि हमने पूरी नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा प्याऊं लगवाया, जिससे जनता जो मतलब डेली मतलब कि पानी पीती है। जनता कितने संतुष्ट है 5 साल के कार्यकाल? जनता हमारे विकास कार्यों को देखते हुए सारी जनता नगर पंचायत की खुश है, और हमको दोबारा फिर से जो चेयरमैन बनाने की कृपा करेगी। पिछली बार लगातार नोएडा बनाने की बात की गई थी। नोएडा आप देखिए, अगर आपको अगर जो शाम को देखना है नोएडा, तो बिरजांग रोड पर आइए, आजमगढ़ रोड पर जाइए, अजमेर रोड पर जाइए, सारी तरफ जो मतलब कि लाइटें लगी हैं। शाम को आइए, आपको हर जगह उजाला ही मतलब दिखाई देगा। इस बार मुद्दे क्या है चुनाव में? इस बार मुद्दे है कि जो भी नाली और सड़क और खड़ंजे जितने भी मतलब बाकी रह गए हैं वो टोटल कार्य होंगे, और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आपने पिछली बार वादा किया था कि सती स्थान का सुंदरीकरण व जो भी कार्य गहबर पोखरे का सुंदरीकरण, जो भी कार्य मतलब जो छूटे हैं वो होंगे, जो जो नए हुए हैं वो सारे कार्य हमारे इस कार्यकाल में पूर्ण हो जाएंगे। जा रहे हैं उस पे क्या राय आपकी? उनका कार्य आरोप लगाना, वो आरोप हमेशा हमारे ऊपर लगता आया है। हाँ, विपक्ष वाले लोग हमेशा आरोप लगाए हैं, उन लोगों का गुंडा और मतलब की माफियाओं से जो मतलब की संबंध है, ये जीएमपुर नगर पंचायत की जनता इस चीज को जानती है, और हम लोगों ने कभी गुंडा का गर्दियों को मतलब की बर्दाश्त नहीं किया। जब से ये टनल एरिया बनाया तब से लेकर अब तक 5 साल में क्या लगता है कितना विकास हुआ है? हमारे कार्यकाल में जो नगर पंचायत में कभी कुछ नहीं था, न शौचालय था, न मूत्रालय था, न प्याऊ था, और सारे कार्य हमारे इस 5 साल के जो कार्यकाल में हुए हैं। जनता फिर विश्वास करे दोबारा फिर जाते हैं और तस्वीर बदलेगी? दोबारा अगर जनता अगर मुझे जो मतलब सपोर्ट की तो उससे कहीं ज्यादा विकास कार्य नगर पंचायत में देखने को मिलेगा। नगर पंचायत जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नगर पंचायत जनता से यही अपील है कि दोबारा पानी का बोतल है इस पर मतलब जो है वोट मारकर हमको जो है जिताएं।